दोस्तों स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर। और आज हम आए हैं अपने पंच प्रयाग यात्रा के एक दूसरे पड़ाव पे जो है कर्णप्रयाग। ये काफी बड़ा शहर है और यहाँ पे संगम होता है अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का। और मेन रोड में जो ब्रिज है तो ब्रिज के बगल से रास्ता जाता है, तो नीचे उतर के कुछ सीढ़ियां बनी हुई है तब घाट दिखाई देता है। बट जो हम इस बार पंच प्रयाग की यात्रा पे है तो प्रॉब्लम इस बार ये हुई है कि नदी जो है उसका संगम ठीक से नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि थोड़ी बारिश हुई है पहाड़ों में, तो जो पानी आ रहा है वो मटमैला आ रहा है, तो संगम उतना क्लियर आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सा है। वरना ऐसा होता है कि अलकनंदा नदी जो है वो हमेशा मटमैली रहती है और दूसरी नदी का पानी हरा सा है, नीला सा होता है, लेकिन इस बार हमें एक ही कलर के लगभग दिखाई दे रहे हैं। बट फिर भी दर्शन तो हो ही रहे हैं, तो चलते हैं और कर्णप्रयाग के संगम को देखते हैं। कर्णप्रयाग ऋषिकेश से लगभग 168 किलोमीटर दूर है और ये है कर्णप्रयाग का बस स्टॉप। यहाँ पे बसेस और प्राइवेट टैक्सीज आपको मिल सकती हैं। आपको अगर बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है तो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगी। कर्णप्रयाग एक बड़ा शहर है और आसपास के कस्बों और शहरों को जोड़ने का काम करता है। आसपास के लोग इसी शहर में अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए पहुँचते हैं, तो मेन रोड से ही यहाँ पे संगम आपको दिखाई दे जाएगा। अभी पानी मटमैला है दोनों नदियों का, यहाँ पे अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम हो रहा है, तो इस ब्रिज के साइड से होकर के रास्ता जाता है। आप जब जाएंगे तो आपको पूछना पड़ेगा तब आप पहुँच पाएंगे। तो हम ब्रिज के साइड से आए हैं चल के और नीचे उतर के सीढ़ियाँ जाती हैं तब आपको ये संगम देखने को मिलेगा। तो हम भी पूछते पाछते ही लोगों से आ रहे हैं कि संगम किस तरफ है। यहाँ से दिखाई दे रहा है सामने ही संगम। सुबह का समय है, लगभग 10 बजे होंगे। इस टाइम पर भी यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है, एकदम खाली है, सिर्फ हम लोग ही हैं। और यहाँ पे शिवजी और गंगा मैया की एक तस्वीर बना रखी है, बहुत ही सुंदर सी। इसी तरह से कुछ मूर्तियाँ और कुछ मंदिर भी आपको आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये सामने ही घर दिखाई दे रहा है पहाड़ पे, बहुत ही सुंदर यहाँ से दृश्य दिखाई देता है। बिल्कुल नीचे हम पहुँच गए हैं संगम के पास में। यहाँ पे कुछ सुंदर सी शिवजी की मूर्तियाँ और हनुमान जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और यह है घाट। तो ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से बैठने की व्यवस्था भी है, यहाँ पे अगर आप आए तो यात्री विश्राम कर सकते हैं। और ये है यहाँ पे स्नान करने की जगह है। यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे तो दोनों नदियों का संगम आपको दिखाई देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के लिए बहुत कुछ खास व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन आप जंजीर पकड़ के आराम से ध्यानपूर्वक स्नान कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत के जो पात्र थे दानवीर कर्ण, उनके नाम पर ही इस नगर का नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग शहर अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर बसा है। और खास बात यह है कि कर्णप्रयाग में रेलवे भी आने वाली है। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हरिद्वार ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल आ रही है, जिसका काम बहुत ही स्पीड से चल रहा है और बहुत ही जल्दी यहाँ पे रेल पहुँचने वाली है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ आने वाले यात्रियों को बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाया करेगी, तो वो काम भी चल रहा है और यहाँ पर स्टेशन भी बन रहा है उसका। तो यहाँ पे दानवीर कर्ण का एक मंदिर भी है और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर कर्ण का मंदिर है वो स्थान कभी पानी के अंदर था, लेकिन अब वो काफ़ी ऊपर है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो दानवीर कर्ण थे उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव की आराधना इसी जगह पे की थी, तब भगवान सूर्य कर्ण की तपस्या से प्रसन्न हुए थे और उन्होंने इसी जगह पर उन्हें अमेध कवच कुंडल और अक्षय धनुष प्रदान किया था। आपने सुना होगा कि कर्ण के पास कवच कुंडल था जब तक
तब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तो ये वही स्थान है। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उनकी मृत्यु के बाद यहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया था। तो धार्मिक दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए सामने ही साफ आपको संगम दिखाई देगा दोनों नदियों का। पानी लगभग एक जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी हल्का सा आपको फ़र्क दिखाई देगा। एक बिल्कुल मटमैला है एक नदी का पानी, और दूसरी नदी का हल्का सा हरा हरा सा दिखाई दे रहा है। और सामने काफ़ी सारे होटल्स भी बने हुए हैं। और कर्णप्रयाग जो है वो बड़ा शहर है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर रीज़नेबल रेट्स में आपको होटल्स और होम स्टे मिल जाएंगे, और खाने पीने के भी यहाँ पर कम दाम में आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कुछ साथी नहाने की कोशिश कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और देखिए सेफ्टी वाइज ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। तो आप भी जब ऐसी जगहों पे स्नान करने जाएं तो सेफ्टी ज़रूर अपनाएं, वरना आप यहाँ पे बह सकते हैं नदी में, और पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। बताते हैं यहाँ कि कर्ण ने यहाँ तपस्या की थी। ये सामने में जो है कर्ण मंदिर है, और यहाँ जो है ये दो नदियों का संगम है, एक पिंडर नदी और इधर से अलकनंदा, और जो पिंडी कर्ण मंदिर है उसके नीचे जो है पूरा गणेश भगवान जी का पत्थर के रूप में जो है पूरा मूर्ति बनी हुई है, वो अपने आप बनी हुई है। वहां पर एक गुफा भी बताते हैं, जो गुफा अभी पानी बढ़ने के कारण बंद है, जब पानी घट जाता है तो गुफा जो है साफ नजर आने लग जाती है। तो कर्णप्रयाग जो है वो पांचों प्रयाग में से तृतीय प्रयाग है, और ये है शिवजी का मंदिर यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सा, और साथ में ही भैरवनाथ का भी मंदिर है। तो यहाँ पे ऐसे कई सारे आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। और पांचों प्रयाग में से ये भी एक प्रमुख प्रयाग है और काफ़ी बड़ा शहर है। तो यहाँ पे आप घूम सकते हैं, और एक अगर आप केदारनाथ या बद्रीनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो ये आपका एक पड़ाव भी हो सकता है। आप यहाँ रुक करके आराम कर सकते हैं, फिर अगले दिन अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सबसे पहले जाके कर दें, और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you.